न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक जोड़ आते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राहुल को माफी मांगनी चाहिए फडणवीस, बंगाल में वकीलों ने नहीं किया कामकाज। जालंधर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को झटका, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राहुल को माफी मांगनी चाहिए फडणवीस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदुओं को हिंसक बताने को लेकर माफी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे 2400 घंटे हिंसा और नफरत फैलाने में लिप्त हैं। फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक बताया, जो हिंदुओं का अपमान है उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बंगाल में वकीलों ने नहीं किया कामकाज। पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट और जिला अदालतों के कुछ वकीलों ने 3 नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ राज्य बार काउंसलिंग के विरोध के आह्वान पर सोमवार को न्यायिक संबंधी कामकाज नहीं किया। नए कानूनों को जनविरोधी, अलोकतांत्रिक और क्रूर करार देते हुए बार काउंसिल ने पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वकीलों से 1 जुलाई को काला दिवस मनाने का आग्रह किया था। न्यायिक कार्य से दूर रहने वाले वकीलों ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के विरोध में हाथ पर काले बिल्ले पहने। ये तीनों कानून पूरे देश में प्रभावी हो गए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जालंधर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को झटका लगा है। जालंधर के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत भाटिया भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। भाटिया ने सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की और आपका दामन थाम लिया। इस मौके पर जालंधर सेंट्रल क्षेत्र से विधायक रमन अरोड़ा भी मौजूद थे। भाटिया भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे और पूर्व विधायक शीतल अंगुराल और पूर्व सांसद सुशील रिंकू के नजदीकी हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाटिया ने रिंकू के पक्ष में जालंधर क्षेत्र में प्रचार किया था। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।